Hi everyone, welcome to this series of Indian Polity where we are trying to cover each and every chapter of Laxmikant in most simple and lucid way as possible. मैं इन वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि लक्ष्मीकांत के किसी भी चैप्टर को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हुए कम से कम टाइम में आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ. कम से कम टाइम में और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हुए, मतलब यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि इस चैनल पे आप किसी भी चैप्टर की अगर वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद उस चैप्टर को आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ने की जरूरत नहीं है. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर्ड होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आज के इस वीडियो में हम गवर्नर चैप्टर स्टार्ट करेंगे. गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, पिछले पूरे साल भी न्यूज़ में रहा. आप सबको याद होगा अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला इशू. तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हर बार उठ के आता है वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स पर उठ के आता है, तो वो सब अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. ये वीडियो हर इंसान के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी-सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी इस सेक्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसलिए ये पर्पल बुक, ये इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. बहुत छोटा छोटा इसमें लिखा रहता है और उन माइन्यूट डिटेल्स में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पूरा चैप्टर पढ़ लेता है फिर भी उसके क्वेश्चंस गलत होते हैं. रीजन बीइंग कि कुछ कुछ वर्ड्स चेंज करने से ही सेंटेंस का मतलब बदल जाता है. इसलिए आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. इससे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव के कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी यहाँ अपलोडेड हैं, आप लोग वो देख सकते हैं, जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में, देन वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप लोग देख सकते हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न विच वी हैव टू फॉलो व्हाइल वी आर स्टार्टिंग लक्ष्मीकांत. जैसे पहले हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, फिर डायरेक्टली वी जंप ऑन टू गवर्नर चैप्टर, फिर हम गवर्नर पढ़ते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर पे जाते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर पे जाते हैं. सो देयर इज अ पैटर्न विच वी हैव टू फॉलो. आज चलिए हम गवर्नर स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वैसे ही स्टेट्स में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. अब स्टेट्स में गवर्नमेंट कैसी होगी, क्या कामकाज होगा, ये सब कुछ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के Part-6 के अंदर. लेकिन ये चीज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो फॉलो करता है. बाकी सब स्टेट्स के बारे में इस Part-6 में लिखा हुआ है. अब Part-6 के ही अंदर आर्टिकल 153 से लेके 167 ये डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ. स्टेट एग्जीक्यूटिव में चार लोग आते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल. सी, व्हेनेवर वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर वी हैव टू मेक कंपैरिजन एट एवरी पॉइंट. मतलब जब भी हम गवर्नर का कोई भी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हमें प्रेसिडेंट के पॉइंट के साथ कंपैरिजन करना है. जैसे अगर हमने, अगर आप लोगों को याद हो, आर्टिकल 52 से 78 Part-5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है. जैसे वहां पे यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट हुआ करता था, यहाँ पे गवर्नर होता है, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट हुआ करती थी, यहाँ पे कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट कि वाइस गवर्नर जैसा कुछ नहीं होता. वहां पे चीफ मिनिस्टर, वहां पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, वहां पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वहां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल है. तो ये चारों मिलकर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, ये चारों मिलकर बनाते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिनका हेड होता है गवर्नर. तो जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट हुआ करता था, स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड गवर्नर होता है. तो गवर्नर के यहाँ पे ड्यूअल रोल है. नंबर वन तो जैसा कि मैंने कहा कि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, और नंबर टू ही इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मतलब है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है. मतलब ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपस में मिलके सलाह करके प्रेसिडेंट को ये बताते हैं कि हाँ भाई, ये बंदा है, इस बंदे को इस स्टेट का गवर्नर नियुक्त कर दो. तो प्रेसिडेंट उस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर देता है. तो नाम के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो यू विल राइट कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? एक्चुअली में तो बीजेपी यानी कि केंद्रीय सरकार जो भी है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही मिलकर डिसाइड कर रहे हैं ना कि किस बंदे को गवर्नर बनाना है. तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नर केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है.
लेकिन ये बात जो है वो सिर्फ मतलब कहने के लिए, समझने के लिए। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग ने ये साफ साफ कहा है कि गवर्नर की जो ऑफिस है, गवर्नर का जो पोस्ट है, गवर्नर की जो ऑफिस है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। मतलब गवर्नर को आगे किसी को रिपोर्ट नहीं करना। अगर आपसे कोई पूछे कि गवर्नर किसी के अंडर काम करता है, या गवर्नर किसके अंडर काम करता है, या किसे आगे रिपोर्ट करता है, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है। ना गवर्नर किसी के अंडर काम करता है, ना ही किसी का सबॉर्डिनेट होता है, ना ही उसे आगे किसी को रिपोर्ट करना होता है। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ और सबॉर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। ये कब आया था सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग? ये हरगोविंद वर्सेस रघुकुल 1979 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर किसी के अंडर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है, अब एक्चुअली में मतलब होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि गवर्नर एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल बंदा होना चाहिए, जो बिल्कुल ही इम्पार्शियल हो। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट तो यही कोशिश करेगी ना कि जो भी बंदा गवर्नर वो उनके उनका बंदा हो। अब जैसे दिल्ली में मान लो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे हो वो उनका बंदा हो, राइट? दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, गवर्नर नहीं होता है। तो ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा, इसीलिए सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कन्वेंशंस तो ये भी कहते हैं कि मान लो मुंबई का गवर्नर बनाना है, तो कन्वेंशंस के हिसाब से तो ये भी होता है कि अगर मुंबई का किसी को गवर्नर बनाना है, तो उस बंदे को मुंबई का नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? ताकि वो लोकल पॉलिटिक्स से दूर हो रह सके। साथ में कन्वेंशंस तो ये भी कहते हैं कि अगर मुंबई का गवर्नर किसी को बनाना है, तो पहले प्रेसिडेंट वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करे और फिर गवर्नर बनाए, ताकि वो आपस में उन लोगों का बैलेंस बना रहे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में कितना झगड़ा चल रहा था। ठीक है, लेकिन ये सारे कन्वेंशन है, एक्चुअली में इनमें से कुछ फॉलो नहीं होता। कमिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, 1956 में सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि एक ही बंदे को दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन, ये शायद आया भी था 2-3 साल पहले, प्रीलिम्स में आया था। ठीक है, एक ही बंदे को दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में कहूँ तो, जब मान लो पंजाब हरियाणा का एक ही गवर्नर है, तो अब उस गवर्नर की सैलरी कितनी होगी और कौन देगा, ये कौन डिसाइड करेगा? पंजाब सैलरी देगा कि हरियाणा सैलरी देगा? ठीक है, तो गवर्नर की जो भी सैलरी होती है, जो भी अलाउंसेस होते हैं, ये सब डिसाइड तो पार्लियामेंट ही करता है कि उसे कितनी सैलरी दी जाएगी। लेकिन वो सैलरी पंजाब हरियाणा कितने कितने परसेंट देंगे, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। और आसान भाषा में कहूँ तो, मान लो कि गवर्नर की सैलरी है 100 रुपये, तो पार्लियामेंट बताएगी कि हाँ, इस गवर्नर की सैलरी 100 रुपये है। लेकिन प्रेसिडेंट ये बताएगा कि पंजाब को 60 रुपये देने हैं सैलरी के, और हरियाणा को 40 रुपये देने हैं सैलरी के। ठीक है, सो सैलरी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, बट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, राइट? ये सारी चीजें तो जनरल चीजें थी। अब स्टार्ट करते हैं, 5 हेड्स में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, सेकेंड इज कंडीशन टर्म्स एंड ओथ ऑफ गवर्नर, थर्ड इज द पावर, फोर्थ इज कंपेरिजन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, मतलब वीटो पावर के परस्पेक्टिव से, ऑर्डिनेंस मेकिंग के टर्म्स में, और पार्डनिंग पावर के टर्म्स में, और फिफ्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ गवर्नर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो फोर्थ वाला पॉइंट तो आप लोग जरूर पढ़ें, दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो फोर्थ या थर्ड पॉइंट में से ही बनते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट, मतलब अगर आप लक्ष्मीकांत में देखें तो एक टेबल बना हुआ है, दो टेबल बने हुए हैं इस पर, तो वो बस टेबल देख लीजिए, उतना सफिशियंट है। क्वेश्चन ज्यादातर इसी में से ही बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड जो पॉइंट है, पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स और जुडिशियल पावर्स, वो देख सकते हैं। जनरली प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स एक जैसे ही हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, या फिर जो भी मिलिट्री एक्शंस होने हैं वो प्रेसिडेंट लेता है, क्योंकि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। देन जो भी डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह साइन होती हैं, वो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन ऐसी कोई पावर गवर्नर के पास नहीं होती। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स पर्पस। तो ये दोनों तो आप जरूर देख लीजिए, बिल्कुल भी टाइम ना हो, ये वीडियो देखने का भी टाइम ना हो, तो बुक में से ये टेबल जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, जो दो दो तीन टेबल्स दे रखे हैं लास्ट में।
फिफ्थ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, ये प्रीलिम्स के हिसाब से तो नहीं पर मेंस के हिसाब से दो चार लाइनें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट जो आप लिख सकते हैं। जैसे कि कई बार मेंस में ये क्वेश्चन मतलब कई बार क्वेश्चन आया भी है और शायद आ भी सकता है कि गवर्नर जब गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, ये जब बिल्कुल नॉमिनल हेड ही है मतलब सिर्फ नाम के लिए है तो इस पोस्ट को रखा ही क्यों है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उसका आंसर करने के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो अथॉरिटी अपॉइंटमेंट कहा, इलेक्शन नहीं कहा। इलेक्शन प्रेसिडेंट के होते हैं, अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, हमारे नए प्रेसिडेंट बने, लेकिन गवर्नर का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसके कहने पे करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करता है। जब देश आजाद हुआ था और ड्राफ्ट कमीशन आया था तो उन्होंने सबके सामने ये बात रखी थी कि गवर्नर के डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाएं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल रेड सफरेज। यूनिवर्सल रेड सफरेज मतलब 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट करेंगे और जो बनेगा जीतेगा बंदा वो गवर्नर बन जाएगा। तो ये तो चीज होती है अमेरिका में, दिस इज अमेरिकन मॉडल, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है उसमें इस चीज को नहीं अपनाया गया। राइट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इस चीज को नहीं अपनाया गया और प्रेजेंट सिस्टम ये है कि गवर्नर का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो बाय प्रेसिडेंट। तो दिस इज अ कैनेडियन मॉडल। कैनेडियन मॉडल में ये होता है कि सेंटर स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। तो क्यों अमेरिकन मॉडल को नहीं अपनाया गया और कैनेडियन मॉडल को अपनाया गया, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अगले 1 मिनट में जो भी बोलूंगी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक बार सुन लें। ठीक है, अच्छा, ये जो कैनेडियन मॉडल से उठाया या किससे उठाया, ये भी एक अलग से सेपरेट टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से भी एक आध क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है। ठीक है, बुक के स्टार्टिंग में एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा पार्ट हमने कौन से मॉडल से उठाया है, कौन सा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया है मतलब कॉपी किया है, कौन सा कनाडा से कॉपी किया है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है, तो वो एक टेबल आप जरूर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमने अमेरिकन मॉडल और डायरेक्ट इलेक्शन को क्यों नहीं अपनाया। सबसे पहले तो ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से इनकम्पैटिबल हो जाती है। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इनडायरेक्ट मतलब से क्या है? इनडायरेक्ट से मतलब ये है कि हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम कुछ लोगों को चुनते हैं और वो लोग आगे जाके कुछ लोगों को चुनते हैं। ठीक है, तो इससे इनकम्पैटिबल हो जाता। सेकेंड चीज, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। दूसरा, इलेक्शन में अगर हम गवर्नर की भी इलेक्शन करवाएं तो कितना पैसा पानी की तरह बहाता है, वो सारा पानी की तरह बहा हुआ पैसा वेस्ट हो जाएगा, और वो भी किसके लिए? एक ऐसी पोस्ट के लिए जो सिर्फ एक नॉमिनल पोजीशन है, सिर्फ एक रबर स्टैम्प के जैसे, एक सिर्फ एक गवर्नर एक नॉमिनल हेड की तरह तो है, सिर्फ नाम की एक पोस्ट के लिए इतना पैसे वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या गवर्नर की सिर्फ एक नॉमिनल मतलब सिर्फ एक नॉमिनल रबर स्टैम्प जैसा है, तो उसका हम आंसर ये नहीं लिखेंगे कि हाँ ऐसा है, आपको तो बैलेंस आंसर देना है। तो आप ये भी लिखेंगे कि हाँ उसकी एक नॉमिनल पोस्ट है, लेकिन साथ ही साथ उसके अपने कुछ डिस्क्रिप्शंस भी होते हैं जो कुछ सर्कमस्टांसेस में गवर्नर एक्ट करता है। तो ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लास्ट पॉइंट अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर डिस्कस करेंगे, तो उसमें करेंगे। ठीक है, खैर फिलहाल के लिए दूसरा, अगर गवर्नर के इलेक्शन होंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नर किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होगा, जबकि गवर्नर की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जो न्यूट्रल होनी चाहिए, जो इम्पार्शियल होनी चाहिए। तो अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होगा तो कैसे इम्पार्शियल होगा? तो वो चीज भी नहीं होती। दूसरा, सेंटर मेंटेन्स इट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। ठीक है, अगर ये जो प्रेजिडेंशियल नॉमिनेशन होगा इसकी वजह से एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टेट से बना रहेगा सेंटर का, तो ये तो अच्छी बात है, इसीलिए हमने प्रेजेंट सिस्टम कॉपी किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर इलेक्शन होंगे तो मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होगा तो एक लीडरशिप प्रॉब्लम भी हो सकती है कि कौन बंदा से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए खड़ा होगा, कौन गवर्नर की पोस्ट के लिए खड़ा होगा। तो पहला जो सबसे लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर के लिए खड़ा हो जाएगा, जो सेकंड नंबर पे बंदा होगा वो गवर्नर की पोस्ट के लिए खड़ा हो जाएगा। तो एक लीडरशिप यू नो लीडरशिप को लेके सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और यूनिटी ऑफ कंट्री को अफेक्ट कर सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे ही बेकार से पॉइंट्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, स्टिल क्योंकि बुक में मेंशन थे तो मैंने बोल दिया। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि गवर्नर कौन बंदा बन सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है, सिर्फ यही लिखा है कि जो भी बंदा गवर्नर बनेगा उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और कम से कम 35 साल का वो होना चाहिए। सिर्फ ये दो चीज़ें लिखी हुई है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा दो कन्वेंशंस हैं जो फॉलो करनी चाहिए पर काफ़ी हद तक काफ़ी केसेस में वॉयलेट हो जाती हैं। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जिस भी स्टेट का बंदा को गवर्नर चुना जा रहा है वो उस बंदा उस स्टेट का नहीं होना चाहिए ताकि वो लोकल पॉलिटिक्स से फ्री रह सके, और दूसरा उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके उसे बनाना चाहिए। तो ये काफ़ी जगहों पर जनरली वॉयलेट हो जाती है ये कन्वेंशन। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं गवर्नर के रिमूवल की। अब रिमूवल के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है खास, बस इतना लिखा हुआ है ही इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे से निकाल सकता है। अब लोगों ने इस बात को लिटरली ले लिया,
कहा कि अरे ये तो सही है, तो लोगों ने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। और जैसे ही होता क्या था कि जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती थी सेंटर में, तो सबसे पहले उसका काम यही होता था कि जितने जितने स्टेट्स में अदर पार्टीज के गवर्नर हैं उन सबको पहले वो हटाती थी और अपने बंदों को गवर्नर बनाती थी। तो ये चीज होने लग गई। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, 1989 में जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई और वीपी सिंह आए थे, और जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव आए कांग्रेस के। ठीक है, तो उस सिचुएशन उन दोनों केसेस में यही हुआ था कि जो जो अलग मतलब दूसरी पार्टीज के गवर्नर्स जो बने हुए थे अलग अलग स्टेट्स में, उन सबको सबसे पहले इन लोगों ने हटाया और अपनी पार्टी के बंदों को गवर्नर बनाया। तो ये चीज तो बिल्कुल गलत थी। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड। तो फिर आया बीपी सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2010 केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि ये भाई ये बात बिल्कुल गलत है। गवर्नर की टर्म होती है 5 साल, एटलीस्ट 5 साल तो वो ढंग से पूरा करे। तो अगर ये चीज़ होने लगी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है गवर्नर के टेन्योर की, कोई फिक्स टर्म नहीं है, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कही कि दिस पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल मैनर। ये नहीं है कि बिना किसी कारण के गवर्नर को चेंज कर दिया, सिर्फ गवर्नमेंट के चेंज होने से गवर्नर को चेंज कर दिया। सो गवर्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑन ग्राउंड ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और बहुत ही रेयर और कंपेलिंग रीजन होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस जिन पर गवर्नर को रिमूव किया जाए। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी गवर्नर को रिमूव कर दिया जाता है और डिसीजन, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं ये तो गलत डिसीजन लिया है लोगों को लगता है, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट उस डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, उसमें इंटरफेयर कर सकता है और पूछ सकता है कि भाई क्या रीजंस थे, ये डिस्क्लोज करो। गवर्नमेंट को रीजंस डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट बोल सकता है कि किन रीजंस पे आपने गवर्नर को रिमूव किया है। ठीक है, और अगर ये रिमूवल आर्बिट्ररी, मेलाफाइडी और विम्सिकल पाया जाता है, सी दीज कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, आर्बिट्ररी, मेलाफाइडी एंड विम्सिकल पाया जाता है, तो कोर्ट उस पर मतलब इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गए रिमूवल की बात। इसके अलावा प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी गवर्नर को ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे स्टेट में, रीअपॉइंट कर सकता है उसी स्टेट में या फिर किसी और स्टेट में। ठीक है, और अगर अचानक अनफॉर्चुनेटली गवर्नर की डेथ हो जाए तो काम कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट संभालेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशंस की, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। सो दिस गवर्नर, दिस ये बंदा, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, सेंटर में पार्लियामेंट का मतलब एमपी नहीं होना चाहिए ये, और ना ही कोई एमएलए होना चाहिए। ठीक है, और अगर बाय चांस है तो पहले गवर्नर की पोस्ट लेने से पहले उसे वो सीट खाली कर देनी होगी, वेकेट कर देनी होगी। ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यही दो पॉइंट्स थे। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें दी हुई थी, जैसे कि मतलब ऐसे बेकार सी चीज जिनका कोई मतलब नहीं है, सैलरी दी हुई है, कौन पूछेगा सैलरी क्या है गवर्नर की, राजभवन पूरा घर मिलता है उन्हें, ये सब बेकार की चीजें हैं, इनका कोई मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सैलरी वाला पॉइंट हमने वैसे डिस्कस कर लिया था ना कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है और किस प्रपोर्शन में स्टेट्स देंगे वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का एक ही गवर्नर है तो। ठीक है, इसके बाद कमिंग विद द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी। तो जैसे प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिलती है, ऐसे ही गवर्नर को भी इम्यूनिटी मिलती है बहुत सारी चीजों में। मतलब अगर गवर्नर गवर्नर होने की हैसियत से कोई भी काम करता है तो उस काम के लिए कोई भी उसकी लाइबिलिटी नहीं है, उस काम के लिए कोई भी लीगल लाइबिलिटी गवर्नर के अगेंस्ट में इनिशिएट नहीं करवाई जा सकती। इनफैक्ट अगर अपनी पर्सनल एक्ट्स के लिए भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनती है गवर्नर के अगेंस्ट में, तो वो भी नहीं हो सकती जब तक कि वो गवर्नर है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग्स बनती है तो वो जरूर इनिशिएट करी जा सकती है, वो भी पर्सनल एक्ट्स के लिए, तब जब 2 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाए उसके बाद। तो ये तो बात हो गई प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी की। अब बात करते हैं ओथ की। ओथ बिल्कुल सेम है, वही जो प्रेसिडेंट की ओथ होती है वही गवर्नर की ओथ है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सिंपल, राइट? तीन ओथ है, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विसेज एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, एज आई सेड इन प्रेसिडेंट ऑल्सो, दैट टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वाला पॉइंट आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक दिस इज डन। ठीक है, नाउ कमिंग विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर।
गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स, ये चार तरीके की पावर्स होती हैं। इन सब में वही पॉइंट्स हैं जो प्रेसिडेंट में पॉइंट्स हैं ना, लगभग उसी के जैसे पॉइंट्स हैं, बस थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स भी होते हैं जो गवर्नर के पास नहीं होते, दैट यू कैन रिमेम्बर। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं स्टेट में, वो सब गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। जो भी देश में डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, वैसे स्टेट में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नर बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे नंबर वन चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और चीफ मिनिस्टर के कहने पर बाकी मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट करता है। नंबर टू स्टेट्स, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन चारों स्टेट्स में एक एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना चाहिए जिसे गवर्नर अपॉइंट करता है। नंबर थ्री, स्टेट के एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता है, उसको क्या रिम्यूनरेशन होगा ये भी गवर्नर डिसाइड करता है, एंड दिस एडवोकेट जनरल ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ओनली। ठीक है, नंबर फोर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, अपॉइंट गवर्नर करता है लेकिन इसे रिमूव करना इतना आसान नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर होगा वो भी गवर्नर ही डिसाइड करेगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्टेट पीएससी, जिसके एग्जाम्स आप में से काफी लोग दे रहे होंगे, उसकी चेयरमैन और मेंबर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है। याद आपको यहाँ पे ये रखना है कि इन्हें अपॉइंट तो गवर्नर करता है लेकिन निकाल प्रेसिडेंट ही सकता है, रिमूव प्रेसिडेंट ही कर सकता है। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, ये वो लोग थे जिन्हें गवर्नर अपॉइंट करता है। इसके अलावा थोड़ी बस ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं, ज्यादा खास नहीं। दैट ही मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, चीफ मिनिस्टर से वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है कि स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है। इसके अलावा हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इम्पोज गवर्नर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, तो प्रेसिडेंट रूल में अब प्रेसिडेंट आके तो रूल नहीं करेगा ना, तो प्रेसिडेंट का एजेंट होने की वजह से गवर्नर के पास एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है और गवर्नर ही उस समय बेसिकली रूल करता है। ठीक है, और एक पॉइंट ये कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है उसका वाइस चांसलर गवर्नर अपॉइंट करता है और चांसलर गवर्नर खुद होता है। तो आप लोगों ने जैसे जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़े होंगे तो सबको याद होगा कि हम लोग हमेशा वीसी बोलते थे कि वीसी की मीटिंग है, वीसी आ रहा है, ये वो, कभी भी चांसलर नहीं बोलते थे ना, हमेशा वाइस चांसलर की बात करते थे क्योंकि चांसलर तो खुद गवर्नर होता है, वाइस चांसलर को गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स हैं इसमें। एक पॉइंट और ये है दैट ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द काउंसिल। इसका क्या मतलब है? मतलब मान लो स्टेट में किसी भी एक मिनिस्टर ने अगर किसी सब्जेक्ट पर कोई डिसीजन ले लिया है और उस सब्जेक्ट को बाकी मिनिस्टर्स ने डिस्कस नहीं किया है, तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कह सकता है कि बाकी मिनिस्टर्स को बोलो कि उस सब्जेक्ट पे मतलब कंसीडर करें उस सब्जेक्ट को। ठीक है, ऐसी बेकार से पॉइंट्स हैं इसमें, कुछ ऐसा खास नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि किस किस बंदे को अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है तो उसे हाई कोर्ट के जज के थ्रू रिमूव करा जाता, मतलब हाई कोर्ट के जज के प्रोसेस के सिमिलरली ही रिमूव किया जाता है। फिर स्टेट पीएससी के मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करता है लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट करता है। तो ये दो तीन बातें जो हैं छोटी छोटी सी, बस आपको ये याद रखनी है। बाकी इन पॉइंट्स का एज सच कोई यूज होता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अब हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। रीजन ये है कि हम गवर्नर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ हम प्रेसिडेंट के भी सारे पॉइंट्स रिवाइज करते जा रहे हैं साथ साथ, राइट? तो इसीलिए शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए हमारा पुराना चैप्टर भी रिविजन होती जा रही है उसकी भी। नाउ कमिंग टू द लेजिस्लेटिव पावर्स, गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि भले ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट नहीं होता, फिर भी किसी लेजिस्लेचर के सेशन को समन या प्ररोग करना गवर्नर का काम होता है। समन मतलब सेशन बुलवाना, प्ररोग मतलब सेशन खत्म करवाना। जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना होता है, ये काम गवर्नर का होता है। जब भी जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उसे गवर्नर एड्रेस करता है।
गवर्नर किसी भी हाउस में मैसेज कर सकता है कि तुम्हारे हाउस में, मतलब ये हाउस में ये पर्टिकुलर बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट हो जाए, तो उस केस में गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली के बाकी मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को कह सकता है कि तुम सेशन को प्रिसाइड करो। सिमिलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर डिप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट हो, तो किसी एक बंदे को लेजिस्लेटिव काउंसिल के गवर्नर कह सकता है कि तुम प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करो। ओके, अब ये सब तो ऐसे ही ऐसे था। मेन पॉइंट यहाँ पे ये आया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन भी स्टेट्स में बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करता है। इफ यू रिमेम्बर, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि राज्यसभा के मेंबर्स को प्रेसिडेंट, कुछ मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ऐसे यहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करता है। चार फील्ड थी वहां पर प्रेसिडेंट की, यहाँ पर पांच फील्ड है, यहाँ पे एक फील्ड एक्स्ट्रा है। सो दिस पॉइंट यू कैन रिमेम्बर, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव्स एंड सोशल सर्विस। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस सेम है, बस कोऑपरेटिव्स नया ऐड हो गया है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से एक बंदे को गवर्नर नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, पार्लियामेंट के केस में लोकसभा में दो मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, यहाँ पे एक बंदे को नॉमिनेट करता है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है, तो उस क्वेश्चन को गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करता है, ठीक है। और बाकी तो ऐसी नॉर्मल सी चीजें हैं, जब भी कोई बिल गवर्नर के पास जाता है, स्टेट बिल गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर के पास चार ऑप्शंस होते हैं, या तो उस बिल को अपना असेंट दे दे, या तो उस बिल को वो रिजेक्ट कर दे, अपना असेंट विदहोल्ड कर ले, या तो उस बिल को लौटा दे, रिटर्न करा दे, ऑफकोर्स अगर वो मनी बिल नहीं है तो, क्योंकि मनी बिल को कभी रिटर्न नहीं करवाया जा सकता। तो कभी कोई ऑर्डिनरी बिल वगैरह आया तो गवर्नर उसे रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा उस बिल को पास करवाता है, तो गवर्नर को अपना असेंट देना ही पड़ेगा। चौथा ऑप्शन गवर्नर के पास ये है कि उस बिल को वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले। अब किस किस केसेस में गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा बिल है जो स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर करता है, तो उस केस में उस बिल को गवर्नर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे पांच ऐसे केसेस दिए हुए हैं जब जब गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है, स्टेट बिल को रिजर्व कर सकता है। नंबर वन, अल्ट्रा वायस। अल्ट्रा वायस मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाए कोई चीज, ठीक है। दूसरा है जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी के अगेंस्ट कोई बिल बनता है, मतलब कोई ऐसा बिल हो जिसकी प्रोविजंस डीपीएसपी के अगेंस्ट जाए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, व्हेन इट इज अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। चौथा है व्हेन ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कोई ऐसी नेशनल इंपॉर्टेंस की बात हो, तो उस पर गवर्नर सोचेगा नहीं, इस पर मैं डिसीजन नहीं, इस पर प्रेजिडेंट डिसीजन लेगा, ठीक है। एंड पांचवा है डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई प्रॉपर्टी एक्विजिशन की बात हो, आर्टिकल 31A है, तो उसमें गवर्नर बिल रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। दूसरा, ऑर्डिनेंस पास कराना हो, अगर स्टेट लेजिस्लेचर पूरे साल तो मतलब सेशन में नहीं रहता, तो जिस समय वो सेशन में नहीं है और अचानक रूल बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो उस समय में गवर्नर ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। ऐसे ऑर्डिनेंस को जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर वापस असेंबल होगा, रीअसेंबल होगा, तभी उनके सामने ऑर्डिनेंस को रखना पड़ेगा, या तो वो उसे पास कर देंगे, या तो उसे नहीं पास करेंगे। अगर 6 हफ्तों तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अपने आप वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लेंथ होती है 6 महीने प्लस 6 हफ्ते, ठीक है। 6 महीने क्यों? क्योंकि दो हाउसेस के दो सेशंस के बैठने में मैक्सिमम गैप 6 महीनों का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कंट्रोल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, इन तीनों की रिपोर्ट हर साल गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है। ओके, सो दीज वर दी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नर, ज्यादा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जैसे प्रेजेंट किया सेम ही कुछ है। फाइनेंशियल पावर्स, सबसे पहले नंबर वन, ही सीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर और नॉट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही जिसे हम लोकल भाषा में बजट कहते हैं, उसी की एक्चुअल टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। नाउ सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी कोई मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उससे पहले गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ता है।
Number third, no demand for a grant can be made except on his recommendation. Number four, जब भी कोई unforeseen situation आ जाती है, कोई भी emergency situation आ जाती है, जहाँ पैसों की जरूरत पड़े, तो वहाँ governor के पास ये हक होता है कि वो contingency fund of state में से पैसा निकाल सकता है, क्योंकि emergency में इतना time तो होगा नहीं कि bill pass करवा के consolidated fund में से पैसा निकाला जाए, तो उस situation में governor contingency fund, जिसे emergency fund भी कहते हैं, उसमें से पैसा निकाल सकता है। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो contingency fund of इंडिया होता है, जहाँ से प्रेजिडेंट पैसे निकाल सकता है। पांचवा पॉइंट ये है कि हर पांच साल में गवर्नर फाइनेंस कमीशन बनाता है, जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, मतलब जो लोकल बॉडीज होती है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करता है। नाउ द जुडिशियल पावर्स। सबसे पहले तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि किसी भी स्टेट लॉ के अंदर अगर किसी बंदे को सजा हुई हुई है तो गवर्नर उसे माफ कर सकता है, ठीक है, मतलब सजा को पार्डन कर सकता है, रिप्रीव, रिस्पाइट, ये सब चीजें हम कम्यूट और इन सबका मतलब, इन सबका डिफरेंस हम पहले प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टिल जब अभी हम आगे ये वाला पॉइंट दोबारा आएगा, जब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो वहां मैं दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। वैसे डिफरेंस बस यही है कि जो गवर्नर होता है वो इन सब स्टेट लॉ के अंदर जितनी भी पनिशमेंट है उन्हें माफ कर सकता है, एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी को सिर्फ प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, और जो कोर्ट मार्शल की सजा होती है उसे सिर्फ प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट ये है, जब भी स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो पहले गवर्नर के साथ कंसल्ट करता है, ठीक है। दूसरा, जब भी डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट से या पोस्टिंग से या प्रमोशंस की बात हो तो गवर्नर स्टेट हाई कोर्ट्स के साथ कंसल्ट करके डिसीजन लेता है। इसके अलावा जब भी जुडिशियल सर्विसेज में अगर बंदों को अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट करना होता है तो गवर्नर पहले स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट पीएससी के साथ कंसल्ट करके डिसीजन लेता है। तो ये थी फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वीटो पावर्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स एंड पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। दैट विल कंटिन्यू इन पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अच्छा या बुरा। थैंक यू सो मच।